अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया खान है और मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ amana.com की। और आज जो प्रोजेक्ट हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं उसका नाम है मैनचेस्टर रॉयल, जो कि गुलबर्ग ग्रीन्स में लोकेटेड है। और इससे पहले कि मैं मैनचेस्टर रॉयल के इंट्रोडक्शन और उसकी डिटेल्स में जाऊँ, मैं चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आते हैं मैनचेस्टर रॉयल के इंट्रोडक्शन की तरफ। और मैनचेस्टर रॉयल के इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं थोड़ा सा गुलबर्ग के बारे में एक डिस्क्रिप्शन, एक ओवरव्यू देना चाहूँगी। तो गुलबर्ग ग्रीन्स, गुलबर्ग रेजिडेंशिया बेसिकली इस्लामाबाद रावलपिंडी के बीच में लोकेटेड है। ये एक रिहायशी सोसाइटी है जो कि बहुत बड़े रकबे पर है और यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ऑलरेडी घर वगैरह मौजूद है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सोसाइटी बनने जा रही है। तो मैनचेस्टर रॉयल यहाँ पर इसके जो कमर्शियल एरिया है वहाँ पर लोकेटेड है। मैनचेस्टर रॉयल बेसिकली एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिसेस, शॉप्स और अपार्टमेंट्स लोकेटेड हैं और ये एक लग्जरी कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके डिज़ाइन बहुत ही हाई क्वालिटी का बनाया जा रहा है और यहाँ पर जो इनकी शॉप्स, ऑफिसेज और अपार्टमेंट्स मौजूद हैं उनके साइजेस काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा इसकी लोकेशन बहुत ही आइडियल लोकेशन है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये मेन कमर्शियल एरिया में लोकेटेड है और उन तमाम लोगों के लिए जो थोड़े से दूर के एरियाज़ में रहते हो रावलपिंडी इस्लामाबाद से, उनके लिए इजीली एक्सेसिबल है। तो ये एक बेहतरीन लोकेशन पे गुलबर्ग ग्रीन्स के मौजूद है। अब बात करते हैं मैनचेस्टर रॉयल के फ्लोर प्लान के बारे में। तो मैनचेस्टर रॉयल जो है वो बेसिकली एक मीडियम हाई राइज बिल्डिंग है और ये ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर 24 शॉप्स, 21 लग्जरी अपार्टमेंट और 15 कॉर्पोरेट ऑफिसेज मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले शॉप्स के बारे में बात करूंगी जो कि इनके लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक बहुत ही प्राइम आइडियल लोकेशन पर बेस्ड है मैनचेस्टर रॉयल, तो उन लोगों के लिए जो अपने आउटलेट्स वगैरह खोलना चाहते हैं, नए ब्रांड्स लॉन्च करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी शॉप्स यहाँ पर खोल सकते हैं। और अब कॉर्पोरेट ऑफिसेज की तरफ आते हुए भी ये उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को नज़र में रखते हुए कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ऑफिसेज और शॉप्स वगैरह को लेकर, उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो ग्रो कर सकें और इसकी लोकेशन बहुत इजीली हर जगह से एक्सेसिबल है, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अब इनके जो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में बात करते हुए, इनके जो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं वो 3rd, 4th और 5th फ्लोर के ऊपर हैं और यहाँ पर 1 बेडरूम, 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। वैसे तो इनके तमाम शॉप्स, ऑफिसेज और लग्जरी अपार्टमेंट्स के साइजेस ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये लोग कस्टमाइजेशन की जो ऑफ़र है वो अपने रेजिडेंट्स, अपने कस्टमर्स को देते हैं कि अगर उनको लगे कि उसके साइजेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने अपार्टमेंट्स, शॉप्स या ऑफिसेस उनके साइजेस को कस्टमाइजेशन करके बड़ा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑफर है ये जो अपने रेजिडेंट्स और अपने कस्टमर्स को देते हैं। और अब मैनचेस्टर रॉयल की जो लोकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मैनचेस्टर रॉयल गुलबर्ग ग्रीन्स में लोकेटेड है और ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके अलावा ये गुलबर्ग ग्रीन्स में सी ब्लॉक में लोकेटेड है और उसके फ्रंट पे चायखाना और 1 पिका डेली है और इसके बैक पे एग्जीक्यूटिव फार्म हाउसेज मौजूद हैं। और अब बात करते हैं मैनचेस्टर रॉयल जो फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स, क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर 24/7 सिक्योरिटी सर्विलेंस मौजूद होगी, इनकी हाई स्पीड लिफ्ट्स हैं यहाँ पर, इसके अलावा शॉपिंग एरिना मौजूद है। बेसिकली अपने क्लाइंट्स को एक ही प्रोजेक्ट के अंडर कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इसके अलावा कॉर्पोरेट बिजनेस रिलेटेड तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया कर रहे हैं। और अब बात करते हैं मैनचेस्टर रॉयल के डेवलपर्स के बारे में। तो मैनचेस्टर रॉयल बेसिकली जैन बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है और जैन बिल्डर्स के ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट सिटी हाइट्स और आर्केडिया के नाम से ऑलरेडी गुलबर्ग में मौजूद हैं। और बेसिकली जैन बिल्डर्स जो हैं वो एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फर्म बनना चाहते हैं अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को टाइमली डिलीवर करके। और अब बात करते हैं मैनचेस्टर रॉयल के NOC और लीगैलिटीज़ के बारे में। तो मैनचेस्टर रॉयल जैसे कि मैंने बताया कि गुलबर्ग ग्रीन्स में लोकेटेड है और गुलबर्ग ग्रीन्स की तरफ से इनको NOC ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये ऑलरेडी लीगल प्रोजेक्ट है। और अब मैनचेस्टर रॉयल के प्राइस प्लान के बारे में बात करते हैं। तो इनकी बुकिंग 25% से स्टार्ट हो जाती है और इसके अलावा अगर आपको फर्दर डिस्काउंट्स आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे amana.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब आगे मैं आपको बताऊँगी मैनचेस्टर रॉयल के मिनिमम मैक्सिमम साइजेस जो कि आप स्क्रीन पर देख सकेंगे और इनकी प्राइजेस जो कि पर शॉप, पर ऑफिस और पर अपार्टमेंट के लोग ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले लोअर ग्राउंड की तरफ आते हैं, इसका जो पर स्क्वायर फीट प्राइस है वो है 35,000 और इसका मिनिमम साइज स्टार्ट होता है 170 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम जाता है 380 स्क्वायर फीट तक। और जो मिनिमम 170 स्क्वायर फीट की टोटल प्राइस है वो है 59,50,000 और जो मैक्सिमम साइज की टोटल प्राइस है वो है 1,33,00,000। और इसका जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है वो रिजर्व्ड है शॉप्स के लिए। अब ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो इसका जो पर स्क्वायर फीट के जो प्राइस है वो है 50,000 और मिनिमम इसका साइज स्टार्ट होता है 163 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम जाता है 380 स्क्वायर फीट तक। और मिनिमम साइज की जो टोटल प्राइस है वो है 81,50,000 और अगर इसके टोटल प्राइस, मैक्सिमम के टोटल प्राइस की बात करें तो वो है 1,90,00,000।
और इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ आते हैं और इसकी जो फर्स्ट फ्लोर की पर स्क्वायर फीट प्राइस है वो है 32,000 और मिनिमम इसका साइज स्टार्ट होता है 535 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम जाता है 822 स्क्वायर फीट तक और जो मिनिमम की जो टोटल प्राइस है वो है 1,71,20,000 और मैक्सिमम 822 स्क्वायर फीट की जो टोटल प्राइस है वो है 2,63,04,000। अब बात करते हैं सेकंड फ्लोर के बारे में। इसका जो सेकंड फ्लोर है वो ऑफिसेज के लिए रिजर्व्ड है और पर स्क्वायर फीट जो उसकी प्राइस है वो है 18,000। इसका मिनिमम साइज स्टार्ट होता है 535 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम जाता है 822 स्क्वायर फीट तक। इसकी जो मिनिमम साइज़ की टोटल प्राइस है वो है 96,30,000 और मैक्सिमम साइज़ की जो टोटल प्राइस है वो है 1,47,96,000। और अब इसके हम लास्ट फ्लोर के बारे में बात करते हैं जो कि इसका थर्ड फ्लोर है और अपार्टमेंट्स के लिए रिजर्व है। पर स्क्वायर फीट इसकी जो प्राइस है वो है 9,000। इसका मिनिमम साइज स्टार्ट होता है 541 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम जाता है 1,341 स्क्वायर फीट तक। मिनिमम स्क्वायर फीट के हिसाब से जो मिनिमम साइज़ की टोटल प्राइस है वो है 48,69,000 और जो मैक्सिमम की टोटल प्राइस है वो है 1,20,69,000। और अब मैनचेस्टर रॉयल की डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बात करते हैं। तो इनकी डेवलपमेंट फरवरी 2021 में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम जारी है। और अब बुकिंग प्रोसीजर की तरफ आते हुए, बुकिंग प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। बुकिंग के लिए चाहिए होंगी 2 CNIC कॉपीज़ मेन एप्लीकेंट की और 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, और इसके अलावा 2 CNIC कॉपीज़ और 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स जो नॉमिनी है उनकी। इस वीडियो को एंड करते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। और उसके अलावा फॉर फर्दर क्वेश्चंस आप हमेशा हमसे amana.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पर आप लोग जब चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगे कि कोई इस इन्फॉर्मेशन से और भी फ़ायदा उठा सकता है तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफिज़। amanat.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।